नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन एकेडमी के करंट अफेयर्स यूं न्यूज डेस्क में आप सभी लोगों का स्वागत है। आजकल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी होंगी। ये घटनाएं तो बहुत घटती हैं, लेकिन हम उन घटनाओं को जो देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषित करते हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी बीच में जो है 24 अक्टूबर यानी कि यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो ये एक महत्वपूर्ण तिथि है। परीक्षा में जो है पूर्व में भी पूछा गया है और ये आगे की जो परीक्षाओं में भी पूछता है प्रश्न। तो 24 अक्टूबर को जो है यूएनओ दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए इसी तिथि को जो है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ तिथि को अगर आप लोग याद करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जिसपे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो यूएनओ दिवस जो है 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। कुछ राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जो है घटनाएं, अभी हाल में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 9 मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने का जो की घोषणा की गई है। और ये मेडिकल कॉलेज जो है वो यूपी में स्थापित किए जाएंगे। ये निर्णय जो है इन्होंने 25/10/21 यानी कि 25 अक्टूबर को जो लिया हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रदेश में जो है 9 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की जो बात कही गई है। कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार या पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यह लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अवसंरचनात्मक ढांचाओं के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को जो है मुहैया कराया जाएगा। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो और यूपी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसकी जानकारी और इसे अपने दिमाग में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये है जो है मेडिकल कॉलेज की न्यूज। एक महत्वपूर्ण जो है योजना चलाई गई है, अभी ये भी जो है चिकित्सा से ही संबंधित है, महत्वपूर्ण है, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है जेनरिक मेडिकल स्टोर, बेसिकली जेनरिक का यहाँ क्या तात्पर्य, जैसे मेडिकल स्टोर पर जो दवाएं मिलती हैं वो दवाएं मूल रूप में जो है कहीं ना कहीं उसके जो कंपोजिशन होते हैं जिससे बनाई जाती हैं, लेकिन वो बनाने के बाद एक ब्रांड नेम में आ जाती हैं, लेकिन जो मूल रूप में जिन जो है कंपोजिशन से वो बनाई जाती हैं अगर उस पर किसी प्रकार का ब्रांड ना हो तो वो जेनरिक जो है मटीरियल या जेनरिक जो है कंपोजिशन कहलाती हैं। सामान्यतः जैसे अगर दूध की हम बात करें, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनरिक दवाएं और जो एलोपैथिक दवाएं जो मेडिकल स्टोर पर ब्रांडेड नाम से आती हैं, जिसे अंग्रेजी दवाएं कही जाती हैं, उसमें यही अंतर होता है। जैसे दूध है, अगर कोई भी व्यक्ति दूध जो है खरीद रहा है किसी ग्वाले से तो उसमें कोई ब्रांड नहीं होता है, तो वो ये कहेगा कि 1 लीटर दूध खरीद लिया। लेकिन जब हम मार्केट से दूध खरीदते हैं तो उस पर क्या होता है, अमूल और पराग या इसी तरीके से अन्य जो ब्रांड हैं उसके जो है टैगिंग हो जाती है, तो उस टैग के कारण से वो ब्रांडिंग उसकी हो जाती है और उसका मूल्य उस कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन जब वो एक ग्वाले या दूधिया के द्वारा जो है कोई व्यक्ति जो है दूध खरीदता है तो वहाँ पर उस पर कोई ब्रांड नहीं होता। वही सेम कंडीशन जो है दवाओं के लिए जो होता है, जब उसके मूल साल्ट से या मूल उसके कंपोजिशन के आधार पर सीधे मांगा जाता है नेम, या उसके प्रत्येक दवाओं के केमिकल नेम होते होंगे तो उसके आधार पर जब सीधा मांगा जाता तो वो जेनरिक दवाएं होती, उस पर कोई ब्रांड नहीं होता। ये दवाएं सामान्य दवाओं से जो है अगर देखा जाए तो लगभग 60-70% कम दामों पे जो है मिलती हैं। तो चूंकि लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार पहल कर रही है ताकि कम कीमत पर जो है लोगों को जो है ये दवाएं उपलब्ध हो सके, तो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया योजना है। दूसरी तरफ राजस्थान एक योजना यहां भी चलाई गई है, प्रशासन गांव के श्रम। प्रशासन गांव के संघ, प्रशासन गांव के जो है संघ जो है योजना चलाई गई है राजस्थान के द्वारा। प्रशासन गांव के संघ कार्यक्रम चलाया गया है, प्रशासन गांव के संघ कार्यक्रम चलाया गया है और ये जो है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसी में हरियाणा सरकार के द्वारा जो है एक योजना चलाई गई है,
मुफ्त शिक्षा योजना, यद्यपि शिक्षा के संदर्भ में अलग अलग स्तरों को लेकर के जो है अलग अलग स्टेट के स्तर पर काम किया जा रहा है और जहां पर उनको जो फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन यह योजना हाल फिलहाल में हरियाणा के द्वारा चलाई गई है, तो इसे भी जो याद रखना है क्योंकि शिक्षा से जैसे महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है तो यह भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ में जो है कुछ तकनीकी समाचार को हम लोग इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। एक अभी हाल फिलहाल में जो गर्व ऐप हाल फिलहाल में जो है गरुड़ ऐप अभी हाल में गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। यह क्या है, कैसे काम करता है, किसने बनाया है? तो गरुड़ ऐप भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है बनाया गया है और यह बेसिकली जो है वो निर्वाचन बूथ के डिजिटली अगर देखा जाए तो उसकी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये ऐप बनाया गया है और जो बूथ पर बीएलओ होते हैं उनके मोबाइल में ये गरुड़ ऐप जो इंस्टॉल किया जाएगा और इसके आधार पर वो जो है उस बूथ के जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर एक जियोग्राफिकल जो है सूचना जियोग्राफिकल उनकी पोजीशन को भेजेंगे, जिससे निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्येक बूथ की डिजिटली मैपिंग करना जो संभव हो जाएगा। बीएलओ एक जो है वहाँ पे मतदान के समय या उसके पूर्व में जो है मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित और जो है वहाँ पे निर्वाचक नामावली से संबंधित समस्त कार्यों को निपटाता है, जिसे बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बूथ पर सरकार का जो एक जो है प्रतिनिधि होता है, एक अभिकर्ता किस्म का होता है जो इनसे संबंधित जो है कार्यों को निपटाने का काम करता है। तो ये गरुड़ ऐप इस काम के लिए चलाया गया है। आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी जो है होने हैं, तो इसीलिए विशेष जो है निर्वाचक पुनरीक्षण कार्यक्रम भी इस वक्त जो है चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए गरुड़ ऐप जो है प्रारंभ किया गया है। एक नाम है, एक क्या है, तो ये जो है पहली स्वदेशी तकनीक पर जो विकसित अंतरिक्ष रॉकेट और ये विकसित कहां से किया गया है, ये दक्षिणी कोरिया। ये द्वारा जो है ये तकनीक जो विकसित किया गया नूरी अंतरिक्ष रॉकेट के माध्यम से जो है आज की डेट में अंतरिक्ष से संबंधित जो भी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है। और कोई भी देश जब अपने तकनीक के आधार पर जो है इस तरीके कोई कार्यक्रम बनाने में जो सफल होता है तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है और उस फील्ड में जो है उसके अन्य उपलब्धियां उसी पर निर्भर होती हैं। तो ये थे कुछ आजकल की कुछ महत्वपूर्ण जो है करंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसको आप लोग जो कवर करने का जो प्रयास कीजिए और अपने जो परंपरागत विषयों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आप लोग बढ़ते रहिए। तो करंट अफेयर्स के आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।